हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं शेष जो धातुएं रह गई थी उनके प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो धातुओं के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको जैसे कि आपका कॉपर और एल्युमिनियम के प्रमुख धातुओं का जो अयस्क थे उनको हमने आपको बता दिया था। आज बच्चों हमने बाकी जो शेष बचे थे जो हमारे धातु जो सिलेबस में है उनको आज हम करने वाले हैं। ये हमारा एक धातु है जिंक और दूसरा है यहाँ पर आयरन। इसके अलावा आज इसी वीडियो लेक्चर में जो हम सिल्वर यानी चांदी का भी इसी में प्रमुख अयस्कों के नाम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जिंक के संबंध थोड़ी जानकारी हम इकट्ठी कर लें। तो जिंक जो है बच्चों +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, मतलब ये सिर्फ एक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। अगर ये दर्शाएगा तो +2 ग्रुप में ये पाया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो इसका परमाणु क्रमांक जो है 30 है और यह है जो बच्चों डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी का अंतिम सदस्य है। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है। या आगे चैप्टर में पढ़ें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का अंतिम सदस्य है। तीसरे परमाणु क्रमांक मतलब ये क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते तो ये 10वां ही तत्व है। ठीक है, तो ये इनके नाम व इसके प्रकार से इसका जो भार है वो भी लगभग 65 किला लगभग है। ठीक है, जिंक जल पत्तों जो है पीतल में लोहे की धातुओं पर इसकी परत को चढ़ा दिया जाता है जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसको जस्ता भी कहते हैं, इसको यसद भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, यसद भी है, इसका जस्ता नाम भी है। तो ये बहुत सारे नामों से ऐसे जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बच्चों आपको वही प्रश्न बना लेना है कि जिंक के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आप उत्तर डाल के नाम और सूत्र लिख लेंगे और कॉलम बना के इस प्रकार उनके नाम सूत्र लिख लेंगे। और बच्चों इनको आपको याद रखना है। इसमें से बच्चों जो जिंक का प्रमुख अयस्क है वो बच्चों कौन सा है, जिंक ब्लेंडी। इसको बच्चों रासायनिक नाम के रूप में भी आ जाता है कभी कभी जिंक सल्फाइड। तो आपको याद रखना कि अगर आ जाए कि जिंक सल्फाइड किस धातु का अयस्क है तो आपको क्या करेंगे बच्चों, जिंक का अयस्क है। या ऐसा आ जाएगा जिंक धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो जिंक ब्लेंडी या जिंक सल्फाइड। और इसका सूत्र क्या है तो ZnS। ठीक है, अब बच्चों अगर ऐसा आ जाए कि जिंक के एक सल्फाइड अयस्क का नाम लिखिए तो ZnS जो हमें पता था आपको जिसमें सल्फर उपस्थित होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है। तो बच्चों एक ही इसका सूत्र है ZnS, बाकी सभी में ऐसा नहीं है। ऑक्साइड अयस्क पूछ रहे बच्चों, तो इसमें ऑक्साइड में बच्चों आपका सिर्फ ये आपका यहाँ पर जो है ऑक्साइड और यहाँ पर ये वाला ऑक्साइड ये देख रहे हैं हमें, यहाँ पे दो हो जाएंगे बच्चों इसके ऑक्साइड अयस्क। इसके अलावा जो एक जो अयस्क है इसका कार्बोनेट अयस्क है जो कि कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो जो विकल्प है वो ऐसा बन सकता है जिंक के एक कार्बोनेट अयस्क का नाम या सूत्र लिखिए। तो नाम कैलामाइन है, सूत्र है इसका CO3। अब बच्चों इसको याद रखने के लिए ट्रिक्स हमने कोशिश की है आपको सरल तरीके से बताने की, आपको फिर जो अच्छा लगे आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए तो सब इसका हम ले लेंगे जिंक। ठीक है, इसका जो पहला जो आपका सूत्र है उसका जिंक ले लेंगे, दूसरे का जिंक का, तो हो जाएगा जिंक जिंक का। और ये हो जाएगा आपका केला से याद रखेंगे केला, केला फेंक से याद रखेंगे फेंक। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी का नाम है जिंक जिंक का, है ना, दो जाने समझ सकते हो जिंक जिंक का केला फेंक, है ना। दो बच्चे कह सकते हैं बच्चों के नाम है जिंक और जिंक का, उनसे कोई कह रहा है जिंक जिंक का केला फेंक, है ना, उसने कहीं का उठा लिया है नीचे वाला डरा हुआ खराब केला, तो उसमें बोल रहे हैं कि जिंक जिंक का केला फेंक। तो इस प्रकार से हमें याद रखना जिंक से जिंक ब्लेंड याद रहेगा, जिंका से जिंका याद रहेगा, केला से केला मान याद रहेगा, फेंक से फेंक लेना याद रहेगा। एक एक बार आप देख लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद ये सूत्र आप याद रखना है, इसका प्रमुख अयस्क ये है जिंक ब्लेंडी जिंक सल्फाइड। इसी से हम जो है जिंक धातु को निष्कर्षित करेंगे और इसकी प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जिंक का है ZnO है, कैलामाइन का सूत्र ZnCO3 और फ्रैंकलिनाइट का सूत्र ZnFeO का होल ट्वाइस। इसको ट्वाइस ऐसे पढ़ते हैं ZnFeO का होल ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके जिंक के। इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट धातु, और जो नेक्स्ट धातु हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है आयरन और जिसको दूसरे नाम हम बच्चों जानते हैं लोहा। किस नाम से जानते हैं, लोहे के नाम से जानते हैं। अब बच्चों इसकी भी कुछ चीजें हैं जो ऑक्सीजन अवस्था है वो हम यहाँ पर समझ लें। इसकी जो बच्चों दो ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है +2 और +3, मतलब ये ऑक्सीजन अवस्था में अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को भी त्याग सकता है और 3 को भी त्याग सकता है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक बच्चों वो 26 है, कितना है
26। और बच्चों ये भी प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो हम ये कहें बच्चों हमारे जो सिलेबस में जितने भी धातु हम कर रहे हैं ज्यादातर वो क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु है। लोहा भी प्रथम संक्रमण का है, जिंक भी प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, कॉपर भी प्रथम संक्रमण श्रेणी का है ना। जो एल्युमिनियम था बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं, वो पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, दूसरे आवर्त का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 26, इसकी कक्षा में स्थान यूरेनियम 2 और 3+3, ठीक है। इसको बच्चों फॉरम नाम भी कहते हैं, कभी कभी फॉरम नाम भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। और बच्चों जो लोहा है वो कई प्रकार का होता है, मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीन प्रकार है इसके, है ना। एक ढलवा लोहा होता है जिसको हम ढाल लेते हैं जिस भी आकार में ढालना रहता है। एक पटवा लोहा होता है जिसको पीट पीट कर इसमें कार्बन की मात्रा को कम किया जाता है ना। और इसके बाद एक होता है इस्पात जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा मात्रा होती है ढलवा लोहे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों हम आते हैं इनके सूत्रों पर, तो प्रश्न बना लेंगे इसका भी सभी। आयरन के प्रमुख अयस्कों के, लोहे के प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। तो उत्तर डाल के सभी लिखेंगे, नाम और सूत्र निम्नलिखित हैं। नंबर एक हेमेटाइट है, इसका सूत्र Fe2O3। मैग्नेटाइट है Fe3O4। लिमोनाइट है, इसका सूत्र है आपका Fe2O3.3H2O, ठीक है। इसमें कितने जल के अणु हैं, 3H2O। इसमें ये जल योजित आपका जल योजित अयस्क है। कभी प्रश्न बन जाए विकल्प के आयरन यानी लोहे का एक जल योजित अयस्क का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, लिमोनाइट, सूत्र Fe2O3.3H2O। सिडेराइट FeCO3। आयरन पायराइटी Fe2। कॉपर पायराइटी CuFeH2। देखिए बच्चों इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉपर में, क्या बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बच्चों ये इसमें भी लिख रहे हैं उसमें भी लिख रहे थे कॉपर में भी, इसको इसलिए लिख रहे थे क्योंकि बच्चों इसमें कॉपर भी उपस्थित है, कॉपर का अयस्क भी है, Fe भी उपस्थित, इसलिए जो है लोहे का भी अयस्क है। लेकिन प्रमुख रूप से बच्चों इसमें जो है कॉपर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग कॉपर के धातुकरण में ज्यादा होता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए जानकारी के लिए लिख दिया कि इसको भी हम आयरन का अयस्क मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयरन पायराइट है Fe2, इससे बच्चों मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है SO2 गैस को बनाने के लिए किया जाता है। बाकी लोहा प्राप्त करने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपका एक मैग्नेटाइट और ये हेमेटाइट, इसमें ये दोनों इंपोर्टेंट है। तो आपको हेमेटाइट याद रखना और मैग्नेटाइट याद रखना है। इनके अलग अलग रंग होते हैं, इसका लाल रंग होता है, ठीक है, इसका भूरा वगैरह होता है, भूरा सा रंग। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब इनको याद रखने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसका हाल लिया हेमेटाइट से हाल लिया, मैग्नेटाइट से मे ले लिया तो हो गया मैग्नेटाइट, ली से ले लिया ला, ठीक है, और सा से ले लिया सी, ठीक है। इस प्रकार से हमने चार अक्षर ले लिए प्रमुख प्रमुख के, तो हा से हे से ले लिया हा, मे से ले लिया मे, ला से ली से ले लिया हमने ला यहाँ पर, और सेडेराइट से ले लिया सी। तो हमें यहाँ पर ट्रिक क्या बनाएंगे इसकी, हमें लस्सी दो हम अलग से लगाएंगे सब याद रखने के लिए, बाकी चार जो अक्षर हैं अल्फाबेट हमें लस्सी दो। तो हा से हेमेटाइट, मे से मैग्नेटाइट, ला से लिमोनाइट और सी से सेडेराइट। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे। बाकी आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट आपको यहीं से याद रखेंगे, इसी में से Fe2 को लग दिया तो आयरन पायराइट का था बचा आपका, और कॉपर जोड़ दिया इसमें तो कॉपर पायराइटिस हो गया, ठीक। आयरन पायराइट में क्या जोड़ दिया उसमें, कॉपर जोड़ दिया, इसलिए कॉपर पायराइटिस हो गया। तो इस प्रकार से ये इनके सूत्र थे और इनके नाम थे। इनके आपको रासायनिक नाम भी याद रख सकते हो आप, ये फेरस हाइड्रोक्साइड है सभी, है ना। इसकी औक्षण अवस्था है, इसकी औक्षण अवस्था हो जाएंगे यहाँ पर 3, ठीक। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है, कुछ ऑक्साइड। अब यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न बन जाता है कि लोहे के ऑक्साइड अयस्कों के नाम बता दो। ऑक्साइड अयस्क बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिख रहा है, Fe3O4 यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ऑक्साइड अयस्क। इसके अलावा बच्चों ऑक्साइड अयस्क और कौन सा कह सकते हो, और नहीं है, ये आपका जल युक्त हाइड्रोक्साइड अयस्क कह सकते हैं उसको, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क पूछ लें कि लोहे का एक कार्बोनेट अयस्क का नाम बताइए, तो कार्बन हमने बताया आपको जिसमें CO3 होता है उसे हम कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। यहाँ पर देखिए Fe3O3 है, आपको जो है कार्बोनेट अयस्क है। अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ये सल्फाइड अयस्क है क्योंकि इसमें सल्फर उपस्थित है, और ये भी सल्फाइड अयस्क है। बच्चों वैसे प्रमुख रूप से जो है आपका जो अयस्कों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक प्राकृतिक रूप से जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और एक संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो कम क्रियाशील होते हैं बच्चों वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक। ये जो धातुएं हैं बच्चों कुछ इंपोर्टेंट है, गोल्ड है, सोना, चांदी, ये सब है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी खदानें होती हैं, वो खुद होकर आराम से बस मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह मिल रहे थे, तो उनको साधारण शुद्ध करने की विधियां जो होती हैं उनसे उपयोग कर शुद्ध करके उनको प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन बाकी लोहा है, जिंक है, इनको हम क्या करते हैं बच्चों, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, प्रकृति में उन तत्वों से क्रिया कर लेते हैं और इस रूप में मिलते हैं, इनको हमको दूर करना रहता है।
बच्चों ये थे इनके अस्त। अब बच्चों हमारे जो सिल्वर के अस्त हैं उनको हम और लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा सिल्वर अस्त, सिल्वर के प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र। इसकी मात्र सिल्वर बच्चों जो है तीन ही अयस्क हैं। सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो होता है इसका 47 और इसका जो परमाणु भार है बच्चों वो है 108। ये बच्चों जो है डी ब्लॉक का तत्व है, इसे डी ब्लॉक में रखा गया है बच्चों। और ये जो है 11वें समूह का तत्व है, ठीक है। सिल्वर इसको आप और भी नामों से जानते हैं, रजत भी कहते हैं इसको, चांदी भी कहते हैं, ठीक है। ये सब आप इस नाम से इनको सुन सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसका जो प्रमुख अयस्क है वो सबसे जो प्रमुख अयस्क है बच्चों इसका अर्जेंटाइट। आपको ये दोनों नाम नहीं याद रखना क्योंकि अर्जेंटाइट से पूछ सकते हैं प्रश्न और सिल्वर ग्लांस के नाम से भी पूछ सकते हैं कि सिल्वर ग्लांस किस धातु का अयस्क है, तो चांदी का या सिल्वर का। और अर्जेंटाइट पूछ सकते हैं कि किस धातु से निष्कर्षित की जाती है चांदी, तो अर्जेंटाइट अयस्क से। इसका सूत्र Ag2S आपको याद रखना है। हॉर्न सिल्वर इसका जो सूत्र है बच्चों AgCl, इसलिए इसका जो रासायनिक नाम है जो सिल्वर क्लोराइड भी आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड भी एक अयस्क है। इसके बाद है पायराजेट, ये आपको बेसिक जानकारी के लिए है, जिसका सूत्र Ag2S Sb2S3। एस बच्चों जो आपका है एंटीमनी और ये जो एस जो लिख रहा है वो सल्फर है, अनुभूज मत होना। तो Ag2S.Sb2O3। इस प्रकार बच्चे सिल्वर के आपके अयस्क हो जाते हैं प्रमुख। तो आपको इस प्रकार से इनके अयस्कों का जो प्रश्न है वो बना लेना है, सिल्वर के प्रमुख अयस्कों का नाम और सूत्र लिखिए, तो आप ये तीनों लिख लेना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे जो प्रमुख अयस्क थे हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना थे तो पूरे हो चुके हैं। और इसके बाद बच्चों हम इनके निष्कर्षण कैसे इसको निष्कर्षित करते हैं और कुछ इन धातुओं से जो मिश्र धातु बनाई जाती हैं वो हम इनको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।